नेपानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घाघरला के जंगल में वन कटाई को लेकर घाघरला के ग्रामवासियों द्वारा 28/11/2022 को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की गई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई थी, जिसके द्वारा खरगोन बड़वानी जाकर अतिक्रमणकारियों के बारे में जानकारी निकाली गई। घाघरला वन क्षेत्र में रह रहे स्थानीय अतिक्रमणकारियों के निवास पर दबिश दी गई। पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई कर अतिक्रमणकारियों को खदेड़ दिया गया था। प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरों के माध्यम से जंगल के अतिक्रमण की जानकारी जुटाई गई थी। बचे हुए कुछ अतिक्रमणकारियों के जंगल में छुपे होने की सूचना प्राप्त हुई, जिन्हें भी आज खदेड़ा गया। जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक और वन मंडल अधिकारी प्रदीप मिश्र करीबन 300 की संख्या में मौजूद दलबल के साथ दुर्गम रास्तों से पैदल चलकर अंदर स्थित दुर्गम स्थान घाघरला कुंड और कुबेरदेव पहुंचे, जहां अवैध वन कटाई की शिकायत प्राप्त हो रही थी। टीमों द्वारा फॉरेस्ट की पूरी सर्चिंग की कार्रवाई कर जंगल को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया। वर्ष 2020 में भी पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई थी। समस्या के निराकरण हेतु अधिकारियों द्वारा गांव के लोगों से संवाद भी किया गया और उन्हें समस्या के निराकरण हेतु आश्वस्त कर जंगल की कटाई रोकने में वन विभाग की मदद करने और पूरी तरह सजग रहने के बारे में बताया गया। समस्या का स्थायी समाधान निकालने हेतु घाघरला के अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र में वन चौकी भी बनाई जाएगी, जहाँ पूरे समय वन सुरक्षा कर्मी तैनात रहकर जंगल की निगरानी करेंगे। पैसा हुआ है आप लोगों को, ज्यादा अधिकार दे दिए गए अभी इस बार आए, आप लोगों ने बोला कि साहब हमारी समस्या है, मगर ऐसा कब तक चलेगा? अगर ये बार बार होते रहेगा, हम लोग बार बार करते रहेंगे साहब, ये बढ़ गया, मगर कहीं ना कहीं हम लोगों को, हमारा जंगल है, हमारा गाँव है, हमारा सब कुछ है, तो हम लोगों को भी उसके लिए सजग होना पड़ेगा। जब भी कोई इस तरीके की सिचुएशन आती है, जब लोग पहली बार हम लोग आए दिन यहाँ पे बाजू में ही पूरा के पूरा जंगल लगा हुआ, हम लोग जाना आना करते रहते हैं, कोई चरवाहा जाता रहता होगा, कहीं ना तो जाते हैं, सब लोगों को पता रहता है। जब वो पहली बार कदम भी रखते हैं ना अपने जंगल में, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि साहब हमें पता नहीं। जैसे ही वो कदम रखते हैं हमें समझ में आ ही जाता है, पता चल जाता है। और अभी इस बार भी डीएफओ साहब को भी बोला गया है कि भाई हमारा वो सिस्टम जो रहेगा, तो डीएफओ साहब बात करेंगे, आप लोगों को अपना नंबर जो रहेगा वो भी अवेलेबल करवाएंगे, मगर आप लोगों का सूचना तंत्र जो है वो बेसिकली क्या है ना, प्रशासन के आँख कान नाल जो है वो आप लोग भी है। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।